दोस्तों, BTS आज एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। कुछ सालों पहले जब BTS की सॉन्ग रिलीज होती थी तो इंडिया में उनके आर्मीज के अलावा किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, पर अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि BTS की खबरें हमें इंडियन न्यूज चैनल्स में भी देखने को मिल रही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमें BTS इंडियन न्यूज़पेपर के साथ साथ इंडियन न्यूज चैनल्स पे भी दिखने लगे हैं। इंडिया टीवी, जी न्यूज, ABP न्यूज जैसे चैनलों ने तो BTS के न्यूज दिखाए ही थे। खासकर साउथ के न्यूज चैनलों में तो BTS काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। और हाल ही में केरला के एक न्यूज चैनल ने PSY और सुगा के लेटेस्ट सॉन्ग डैड डैड को कवर किया। PSY और सुगा की डैड डैड सॉन्ग पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया पे भी धमाल मचाई हुई है। इंडिया में भी इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इससे पहले भी PSY के गंगनम स्टाइल सॉन्ग को इंडिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और ये सॉन्ग इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुई थी। काफी लोगों के लिए तो गंगनम स्टाइल पहला K-pop सॉन्ग था जिसे उन्होंने पहली बार सुना था। और आज भी PSY का क्रेज इंडिया में बरकरार है और इस न्यूज को कवर किया है केरला के एक न्यूज चैनल ने। जी हाँ फ्रेंड्स, केरला के फेमस न्यूज चैनल मरोनोमा चैनल ने अपने दर्शकों को डैड डैड सॉन्ग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गंगनम स्टाइल से लोक प्रसिद्ध हुए साय और BTS के सुगा का म्यूजिक वीडियो डैड डैड आ चुका है। साथ ही उन्होंने डैड डैड सॉन्ग की कुछ क्लिप्स को भी दिखाया और इस सॉन्ग के बारे में भी बात की कि किस तरह इंडिया में इस सॉन्ग को पसंद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस सॉन्ग के कॉन्सेप्ट पे भी बात की कि इस पूरे सॉन्ग को काउबॉय के स्टाइल में शूट किया गया है और ये सॉन्ग हमें रेट्रो थीम की भी याद दिलाती है। इसके बाद उन्होंने PSY और सुगा की तारीफ भी की इस अमेजिंग सॉन्ग के लिए। साथ ही इस न्यूज चैनल ने पहले भी BTS के न्यूज को कवर किया था और आगे भी करेंगी। तो फ्रेंड, जिस तरह इंडिया में PSY की गंगनम स्टाइल ने अपना बोल बाला किया और अब बारी आ गई है PSY और सुगा के डैड डैड सॉन्ग की, और डैड डैड सॉन्ग भी उसी रास्ते पे चल चुका है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस न्यूज को सुनकर आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे और जल्दी से हमारे K-pop खबर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।